योग भारत का प्राचीन विज्ञान है। भारत के महान योग गुरुओं ने इस विज्ञान का निर्माण हजारों साल के अनुभव और कठिन तपस्या से किया है। योग की इस महान परंपरा में गौतम बुद्ध और भगवान महावीर जैसे महान तपस्वी शामिल हैं। क्या होती है हस्त मुद्राएं? हाथों की 10 अंगुलियों से विशेष प्रकार की आकृतियां बनाना ही हस्त मुद्रा कही गई है। हाथों की सारी अंगुलियों में 5 तत्व मौजूद होते हैं, जैसे अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी अंगुली में वायु तत्व, मध्यमा अंगुली में आकाश तत्व, अनामिका अंगुली में पृथ्वी तत्व और कनिष्का अंगुली में जल तत्व। लेकिन क्या आपने गौर से महात्मा बुद्ध को देखा है? ध्यान में बैठे भगवान बुद्ध के हाथ हमेशा ही एक विशेष स्थिति में होते हैं। हाथों की इसी स्थिति को योग विज्ञान में मुद्रा, हस्त मुद्रा कहा जाता है। मुद्राओं की इस सांकेतिक भाषा प्रयोग को न सिर्फ योग बल्कि मेडिटेशन में भी कहा जाता है। भारतीय नृत्य परंपरा जैसे उत्तर भारतीय कथक हो या दक्षिण भारत का कथकली, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी, गोटिपुआ नृत्य आदि में भी मुद्राओं का भरपूर प्रयोग किया जाता है। हाथों को विभिन्न प्रकार से मोड़कर बनने वाली ये मुद्राएं योगी के उद्देश्य का प्रतीक होती हैं। ये मुद्राएं ही हैं जो योगी को उसके उद्देश्य के प्रति तत्पर बनाए रखने में मदद करती हैं। ये योगी के शरीर की आंतरिक और सुप्त ऊर्जा को जागृत करती हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और वेदों में करीब 399 योग मुद्राओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। लेकिन इस वीडियो में आपको योग की 8 हस्त मुद्राओं के बारे में जानकारी दूंगा। योग और मेडिटेशन के समय इन मुद्राओं के प्रयोग से आप कई फायदे ले सकते हैं। योग और मुद्राएं, योग मुद्रा के प्रकार, पंच तत्व और योग मुद्राएं इस प्रकार हैं: ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, सूर्य मुद्रा, वरुण मुद्रा, जय शामक मुद्रा। कलाई की योग मुद्राओं के प्रकार: वैराग्य मुद्रा, ध्यान मुद्रा, योग और मुद्राएं। योग के महत्व को अब पूरी दुनिया स्वीकार कर चुकी है। शायद यही कारण है कि इसे भी एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर की तरह ही वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति में शामिल किया जाने लगा है। हालांकि अभी भी योग से मिलने वाले फायदों के कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। कुछ ऐसी ही स्थिति योग मुद्राओं की भी है, शरीर पर उनके प्रभाव के संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन भारतीय योगी हजारों सालों से इन फायदों के संबंध में दावे करते रहे हैं। शायद विज्ञान को योग मुद्रा के शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में अभी और अध्ययन या आधुनिक उपकरणों से जांच करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक शरीर के कुछ खास हिस्सों में स्पेशल प्वाइंट होने की बात को स्वीकार करते हैं। विज्ञान मानता है कि इन खास बिंदुओं पर यदि हल्का दबाव डाला जाए, बेचैनी, घबराहट, हार्मोन असंतुलन, यहाँ तक कि फाइब्रोमियाल्जिया जैसी समस्याओं से भी राहत पाई जा सकती है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर जैसी थेरेपी विज्ञान की इसी मान्यता पर आधारित है। योग मुद्रा के प्रकार, योग में मुद्राओं के मूलत 2 प्रकार माने गए हैं। मुद्रा के निर्माण में अंगूठे से विभिन्न अंगुली के पोर को स्पर्श कराया जाता है। विभिन्न अंगुलियों के स्पर्श से बनने वाली योग मुद्रा का शरीर पर अलग तरह से प्रभाव पड़ता है। जबकि कुछ योग मुद्राएं कलाई को मोड़कर भी बनाई जाती हैं। कुछ योग मुद्राएं शरीर में खास पंच तत्वों का भी प्रतीक होती हैं। प्राचीन मान्यता में पंचभूत से शरीर के निर्माण की बात कही जाती है। योग मुद्राएं उन विशेष तत्वों को सक्रिय करके न सिर्फ शरीर बल्कि मन को भी स्वस्थ बनाती हैं। पंच तत्व और योग मुद्रा पंच तत्वों में मनुष्य के शरीर में पहला तत्व वायु तत्व माना जाता है। ये मनुष्य शरीर में मनुष्य की मेधा,
क्रिएटिव सोच और मानसिक सेहत का प्रतीक होती है। इस तत्व का संबंध मनुष्य के चौथे चक्र यानी कि अनाहत से होता है, जबकि दूसरे तत्व को आकाश या अंतरिक्ष माना जाता है। इस तत्व को ज्यादातर इसकी विशालता के कारण निष्क्रिय ही माना जाता है। ये तत्व योगी के शरीर की संपूर्ण चेतना का प्रतीक होता है। ये योगी का संबंध अंतरिक्ष के साथ स्थापित करने में मदद करता है। इस तत्व का संबंध पांचवें चक्र विशुद्ध से माना जाता है। तीसरे तत्व को पृथ्वी तत्व माना जाता है। ये तत्व शरीर की बाहरी या भौतिक संरचना को नियंत्रित करता है। इस तत्व का प्रभाव शरीर के ऊतकों और हड्डियों पर पड़ता है। यही तत्व शरीर में गंध को नियंत्रित करने में कारगर है। कब करें किसी भी समय वायु मुद्रा उद्देश्य शांति पाने के लिए। हस्त मुद्रा तर्जनी का पहला पोर अंगूठे के आखिरी पोर में लगाएं। अंगूठा तर्जनी अंगुली के ऊपर रहेगा। वायु मुद्रा के फायदे। शरीर में वायु तत्व को कम करता है। शरीर में बेचैनी और चिंता को कम करता है। हार्मोन और नर्व्स सिस्टम की अतिसक्रियता को कम करता है। गुस्सैल हाइपर एक्टिव और कम एकाग्रता वालों के लिए अच्छा है। कब करें किसी भी समय ले आकाश मुद्रा के लाभ। हल्केपन के लिए हस्त मुद्रा मध्यमा अंगुली के पोर को अंगूठे से स्पर्श करवाएं। प्रतिदिन 30 मिनट से अधिक समय तक अभ्यास न करें। आकाश मुद्रा के फायदे। शरीर में आकाश तत्व को बढ़ाता है। दिमाग में आने वाले बुरे विचारों से राहत देता है। भय दुख और क्रोध की भावनाओं को नियंत्रित करता है। शरीर में मौजूद अशुद्धियों को डिटॉक्स करता है। कब्ज और पाचन संबंधी समस्या वाले लोगों के लिए विशेष लाभदायक। कान और सीने से जुड़ी समस्याओं में भी लाभदायक। कब करें किसी भी समय सबसे अच्छे नतीजे के लिए। अभ्यास करें शून्य मुद्रा उद्देश्य दर्द से राहत पाने के लिए। हस्त मुद्रा मध्यमा अंगुली के पहले पोर को अंगूठे के बेस पर रखें और अंगूठा अंगुली के ऊपर रहेगा। किसी भी किस्म की असुविधा या दर्द अनुभव होने पर शून्य मुद्रा का अभ्यास न करें। शून्य मुद्रा के फायदे। शरीर में अंतरिक्ष तत्व को कम करता है। कान में दर्द सुनने में समस्या यात्रा की थकान को कम करता है। शरीर के कई अंगों जैसे सिर और सीने में हल्के दर्द को कम करता है। वात प्रकृति वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद। कब करें किसी भी समय पृथ्वी मुद्रा उद्देश्य शक्ति या ताकत बढ़ाने के लिए। हस्त मुद्रा अनामिका या रिंग फिंगर को अंगूठे से स्पर्श करवाएं। पृथ्वी मुद्रा के फायदे। शरीर में पृथ्वी तत्व को बढ़ाती है जबकि अग्नि तत्व को कम करती है। नए टिश्यू की ग्रोथ को बढ़ाता है। मसल्स बनाने और हीलिंग की प्रक्रिया को तेज करती है। थकान से राहत देता है। कमजोर हड्डियों बाल और नाखूनों को मजबूती देती है। शरीर में मजबूती चैतन्यता और शक्ति का संचार करती है। मेटाबॉलिक या पाचन प्रक्रिया और शरीर के तापमान को नियमित करती है। ड्राई स्किन की समस्या को दूर करती है। दुबले शरीर वाले लोगों में बुखार जलन या अल्सर की समस्या को दूर करती है। कब करें किसी भी समय सूर्य मुद्रा उद्देश्य वेट लॉस के लिए। हस्त मुद्रा अनामिका अंगुली को अंगूठे के आखिरी पोर पर रखें और अंगुली के ऊपर अंगूठा रखें। 30 मिनट से अधिक समय तक अभ्यास न करें। सूर्य मुद्रा के फायदे। शरीर में अग्नि तत्व को बढ़ाती है जबकि पृथ्वी तत्व को कम करती है। शरीर के तापमान को बढ़ाती है। ठंड से कंपकंपी होने पर राहत देती है। लो थायराइड की समस्या वाले लोगों के लिए बेस्ट है। वेट लॉस अपच पसीना न निकलने की समस्या और कमजोर नजर वाले लोगों के लिए फायदेमंद।
कब करें? किसी भी समय। वरुण मुद्रा का उद्देश्य नमी के लिए जल वर्धक मुद्रा। हस्त मुद्रा कनिष्ठिका को अंगूठे के पहले पोर से स्पर्श करवाएं। शरीर से ज्यादा पसीना निकलने की समस्या वाले लोग इस मुद्रा का अभ्यास न करें। वरुण मुद्रा के फायदे। शरीर में जल तत्व को बढ़ावा देने में मदद करती है। जोड़ों में दर्द, आर्थराइटिस, शरीर से दुर्गंध निकलना और स्वाद न आने की समस्या में मदद करती है। हार्मोन की कमी होने या डिहाइड्रेशन की समस्या होने पर राहत देती है। ड्राई स्किन, बाल, आंखें, एक्जिमा, पाचन तंत्र की सभी समस्याओं को दूर करती है। कब करें? किसी भी समय। जल शामक मुद्रा उद्देश्य स्थिरता के लिए हस्त मुद्रा। अनामिका अंगुली के पहले पोर को अंगूठे के बेस पर रखें। अंगूठा पूरी तरह से अंगुली के ऊपर ही रहेगा। जल शामक मुद्रा के फायदे। शरीर में जल तत्व की मात्रा को कम करती है। ज्यादा पसीना निकलता है। मेरे प्रिय भक्त, ऐसे और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर जरूर करें।